नमस्कार, आप सभी लोगों का है ऑनलाइन वॉरियर चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो टॉपिक खासकर से बनाया गया है आप सभी लोगों के लिए। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं दुनिया को हमसे जोड़ता है। हाल में IMF, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से कहा जाता है, उसने आज ये क्या रिपोर्ट पेश की है, उन तमाम चीजों के बारे में मैं आज सबके सामने ये डिस्कस करना चाहता हूं कि IMF के द्वारा क्या चेतावनी दी गई है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में। जी हाँ, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सामने क्या चुनौती आने वाली है, उन सबको मैं आज आज सबके सामने पेश करना चाहता हूं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में अगर मैं विस्तार से बात करूं, ये रिपोर्ट आप सबके सामने है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2020। इस रिपोर्ट का मेन हेडलाइन है द ग्रेट लॉकडाउन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश के पैसेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, RC के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्या है अर्थव्यवस्था हमारे लिए, क्या है? एक आसान से शब्दों में अगर मैं इसको सोचूं और समझूं कि अर्थव्यवस्था मेरे और आपके लिए कैसे बनती है, हम कहीं ना कहीं इस देश के, इस दुनिया के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब इस लॉकडाउन का असर हम पे कैसे पड़ता है, इस पूरे सिनेरियो को मैं बात कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ऑथर को जिन्होंने इस पूरे स्क्रिप्ट को बनाया है, रिदम त्यागी जी हाँ, और ऑलरेडी ऑनलाइन पे वो मौजूद हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये प्रेजेंट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं आपके सामने, आपका होस्ट तेजस कुलश्रेष्ठ। तो इन सब पे हम बात करना चाहते हैं इकोनॉमिक के बेसिस पर, क्या कह रहा है IMF। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें समझना है अर्थव्यवस्था। कहने को बहुत कुछ है इकोनॉमी के बारे में, बहुत जगह सुना है इकोनॉमी गिर रही है, लेकिन IMF की नजर में इकोनॉमी का होने का यहाँ पर कैसे उसने वर्णन किया है, क्या कहा है उसने? ये कहा है इट्स अ ग्रेट लॉकडाउन, द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशन 1929। ये शब्द बहुत बड़े शब्द हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों को कहना है, या मैं कहूं तमाम इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कैसे इकोनॉमी को उन्होंने अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है। क्या कहना चाहते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या कहना चाहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसे लोग अपनी जिंदगी को खो रहे हैं, कैसे लोगों को बीच में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, उन तमाम चीजों के बारे में यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। बहुत कुछ है कहने को, उन तमाम देशों के बारे में बात करना चाहता हूं, वो देश जो दुनिया को एक स्मारक देखने चाहते हैं, वो देश जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि तमाम चुनौती बाद भी हम अपनी आर्थिक विकास, जिसको मैं कहूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेंटेन रखना चाहते हैं, या फिर इतनी बड़ी महामारी, एक वर्ड यहां पर आ रहा है पैनेडेमिक। इफ वी डिस्कस अ पार्ट ऑफ पैनेडेमिक, बहुत सुना होगा आप सबने पैनेडेमिक के बारे में। तो ये शब्द जब आता है, पैनेडेमिक में वर्ड आपका आता है, पैनेडेमिक के बारे में जब हम बात करते हैं, पैनेडेमिक एक एपिडेमिक के बाद पैनेडेमिक हमारा आता है जो महामारी है, जो व्यापक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे फैली गई है, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे उसको फैलाया गया है। उन तमाम शब्दों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं इन सब के बारे में। तो जैसे हम बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में, ये लॉकडाउन से हुआ क्या है, लॉकडाउन का असर क्या पड़ा है, और इससे इकोनॉमी पे पड़ने वाले असर हम रोज देखते हैं टीवी पे, न्यूज में, कि अर्थव्यवस्था का असर सबसे बुरा पड़ा है हमारे देश के कमजोर वर्गों पे, वो वर्ग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने चुनौती है जीवन यापन करने के लिए।
बड़े बड़े राज्यों में माइग्रेशन हुआ है जहां पर हमारी औद्योगिक गतिविधियां है, या मैं कहूं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे रखा गया है, उन तमाम चीजों पे हम यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने चुनौती है कि पैनेडेमिक हुआ कैसे, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। हमें सबको पता है कि दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और वो चुनौती इकोनॉमिक पर कैसे असर पड़ती है। कहा जाता है कि जैसे जैसे बीमारियां बढ़ेंगी इकोनॉमी हमेशा कमजोर रहेगी, इसीलिए बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आप अपने सारे एग किसी एक टोकरी पे मत रखिए। ये इकोनॉमिस्ट को कहना है, आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं को नुकसान होता है तो वो उसकी पूर्ति कर सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े देशों को चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना ही ऐसा देश है जो हाल में लोगों को यहाँ पर नेतृत्व करने दिखाया गया है, कैसे वो अपने आप को कोरोना से बाहर आया है और चाइना की चीजों पे हम एप्लीकेबल होके चलना पड़ रहा है क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। तो बात करते हैं इस लॉकडाउन में क्या चीज निकल कर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कंटेन द पैनेडेमिक, ये हर देश के सामने, अगर उसको इस बीमारी से बचना है तो उन तमाम देशों को, अगर जिन जिंदगी को बचाना है, हमें पता है अभी यहाँ पर दुनिया में बड़े बड़े देश इससे आपके कंटेंजेंस में फंसे हुए हैं। जी हाँ, कंटेंजेंस की मैं बात करता हूं, वो देश चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका यूरोपियन देश हो, तमाम बड़े मुल्क इसकी चपेट में आए हुए हैं। इसीलिए उन सभी देशों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया गया है, या फिर ये कहूं सोशल डिस्टेंस को माना है। क्या असर पड़ा हमारे इकोनॉमी पे? सबसे पहले टूरिज्म, उसके बाद हमारा एकोमोडेशन, उसके बाद होटल इंडस्ट्रीज, ये तमाम इंडस्ट्रीज अपने में बंद हो गई है। टूरिज्म खत्म हो गया है, फिल्म इंडस्ट्रीज खत्म हुई है, एक तरीके से बहुत बड़ा रिसेशन। देखिए, रिसेशन से बड़ा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन की मैं बात करता हूं तो वो उसको बोलते हैं महामंदी। रिसेशन इज अ मंदी, हिंदी में कहूं तो उसको मंदी बोलते हैं, लेकिन जब मैं डिप्रेशन की बात करता हूं तो वहां पर विषय आपका आता है महामंदी। इसको वर्ल्ड ने इसको लिखा है, तो IMF ने कहा है कि 1929 अगर हम बात करें, 1929 के बाद ये सबसे बड़ी लॉकडाउन जो हो रहा है पूरी दुनिया भर में, इससे एक तरीके से इकोनॉमिक क्रैकडाउन हो गया है, बिल्कुल नीचे जाती जा रही है, हमारे सामने चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं। तो बात करते हैं आगे क्या कह रहा है यहाँ पे IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कहना है, द वर्ल्ड इकोनॉमी प्रोजेक्ट ग्लोबल ग्रोथ इन 2020 फॉल -3%। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, -3। मेरे पास 100 रुपए थे, मैं मान लेता हूं उस परसेंटेज को लेके चलता हूं कि मेरे पास 100 रुपए थे, लेकिन 100 रुपए से अब क्योंकि -3 हो गया है तो मेरे पास जितने पैसे बचे थे उससे भी कम हो गया है। तो एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है शार्पली, जो मेरी इकोनॉमिक थी वो और नीचे चली गई है। और नीचे जाने का मतलब ये है कि देश दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को समझने के लिए इन चीजों के बारे में यहां पर बताया गया है। कहा यह भी गया है, इट्स अ मच वर्स देन ड्यूरिंग द 2008 and 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 2008 या 2009 में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे भी बुरा असर हुआ है इस बार के लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन ही यहां पर IMF का कहना है द ग्रेट लॉकडाउन। क्या कहा है IMF ने, कैसे उभरे चीजों को, कैसे कोई भी देश इन चीजों को चैलेंज लेके कैसे अपने सामने आए, लोगों को बताए, तो वो कुछ चीजों पे पॉइंट आउट किया है IMF ने। पहला है फिस्कल,
दूसरा है मॉनेटरी, तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट। जब मैं फिस्कल की बात करता हूं तो फिस्कल में हमारे सामने जो बात कही जाती है वो ये कहा जाता है कि फिस्कल जो है वो एक तरह के सरकार की नीतियों के ऊपर बात होती है। जी हाँ, सरकार की नीतियां, सरकार हमारे कमजोर वर्गों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, उनके लिए क्या सुविधा देने चाहती है इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी में सरकार का सहयोग कैसा है। हाल में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने लगभग 1,70,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस पैसे को डाला है, ताकि अपनी फिस्कल नीति के आधार पे, राजकोष नीति के आधार पे उन तमाम लोगों को, उन तमाम गरीब लोगों को, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो वर्कर्स हो, उन तमाम लोगों को मदद हम कैसे कर सके। तो ये हमारी चुनौती है। IMF ने खास कर से कहा है द पॉलिसी मेकर विल नीड टू इंप्लीमेंट अ टारगेटेड द फिस्कल पार्ट। हमारे देश के होने वाले चुनौतियों को लड़ने के लिए हमें अपनी पॉलिसी को सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने ये योजना बनाई थी जिसमें लोगों को राशन भी दिया जाए, कुछ पैसे भी दिया जाए, ताकि उन लोगों को असहाय ना होना पड़े। मॉनेटरी की बात आती है, मॉनेटरी में वर्ड आपका आता है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक। मॉनेटरी का मतलब ही होता है मनी फ्लो, मार्केट में मुद्रा का चलन, लिक्विडिटी के टर्म में कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मॉनेटरी को हम कैसे मार्केट में पहुंचाएं। इसीलिए RBI ने हाल में रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, उसको कम किया है कि तमाम लोगों तक उन चीजों को आसान दरों में लोगों को लोन मुहैया कराया जाए। लिक्विडिटी जो हमारी तरलता है, लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को कैसे मार्केट तक पहुंचाएं, उन सब के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। फाइनेंशियल मार्केट, जब फाइनेंशियल मार्केट की बात यहां पर आती है तो उसमें ये भी बात समय आती है कि दो मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार की बात करते हैं, 50,000 करोड़ का हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ का एक लिक्विडिटी का प्रोग्रेस दिया है नबार्ड, सिडबी, NHB को, ताकि लोगों तक वो पैसा पहुंचाया जाए, मार्केट में पैसे की कमी ना हो, उन तमाम चीजों के सामने ये चीजें आपके सामने रखी जा रही है, ताकि आप लोग उन चीजों को समझ सके कि IMF की नजर में हर सरकार अपनी तरफ से कैसे कैसे कदम उठा रही है, उन सब के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है आपका। अगला कहा गया है कि इस लड़ाई से लड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा पैनेडेमिक है, पैनेडेमिक एक महामारी है वैश्विक स्तर पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक महामारी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें कैसे प्रयास करने पड़ेंगे। वो देश जो कमजोर देश है, जो खासकर से कमजोर में है, उन देशों के सामने चैलेंज, जिनकी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, जी हाँ काफी कमजोर, चाहे वो अफ्रीका के हो, चाहे वो एशिया के नेशन हो, उनके साथ भी कॉपरेशन करना पड़ेगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल ऑफ अस, स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल कॉपरेशन एसेंशियल टू ओवरकम अफेक्ट ऑफ पैनेडेमिक। ये बात सिर्फ ऐसे ही बात नहीं होती है, इस पे छिपे हैं तमाम आंकड़े। मैं आंकड़े की बात करता हूं, GDP, जी हाँ GDP, जिससे हम दुनिया को पहचानते हैं कि उस देश में होने वाला वो विकास दर क्या है, वहां की ग्रोथ रेट क्या है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देश के सामने, दुनिया के सामने चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उन चैलेंज को दिखाने के लिए IMF ने एक आईना दिया है। जैसे IMF खुद कह रहा है कि ग्लोबल स्तर पे हमारी इकोनॉमी जो रहेगी वो आपका -3 रहेगा, तो चैलेंज तो हमारा सामने यही आ चुका है। अब इसको कैसे उसने दर्शाया है अपने आंकड़ों के बेसिस पे, अपने फिगर के बेसिस पर,
उन चीजों पे हम बात करेंगे आप सबके सामने। तो जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन, हम यहां पर आंकड़ों पे बात करेंगे भारत से लेकर तमाम देश, जिनमें ये कहा जाए कि वो तमाम देश जिनकी अर्थव्यवस्था माइनस में आ गई है, बहुत बड़ी बात है अर्थव्यवस्था को माइनस में आना। रियल जीडीपी आंकड़े बता रहे हैं, ये रियल जीडीपी क्या होता है उसके बारे में भी बात करूंगा, आईएमएफ क्या कहना चाहता है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर आंकड़ा आपके सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि तमाम देशों के सामने चैलेंजेस है। आप अगर स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे शो होने वाले हो तमाम डाटा है, चाइना 1.2, इंडिया 1.9, आसियान देश माइनस, डेवलपिंग यूरोप -5.2, रशिया 5.5, लैटिन अमेरिका कैरिबियन, ये लैटिन अमेरिका वही देश है जो साउथ अमेरिका या कह सकते हैं मैक्सिकन एरिया पड़ता है, उन देशों की इक्वेटर के बारे में आपको एक लिंक भेजा था कि वहां का क्या हाल है, माइनस में है। ब्राजील -5.3, मैक्सिको -6.6, सेंट्रल एशिया बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया -2.8। अगली वीडियो में मैं आपको ब्रेंट ऑयल और WRT ऑयल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वो ऑयल होते क्या है, उन ऑयल के बारे में उनका मतलब क्या होता है। मार्केट में डिमांड तो है, ये मंदी आ कैसे रही है, इस मंदी को समझने के लिए मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूं। उदाहरण किस तरीके सा, मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मैं चाहता हूं मेरा माल बिके, लेकिन माल तो तभी बिकेगा जब उसकी डिमांड है, और डिमांड तभी होगी जब उसमें यहां पर लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में उसकी लिक्विडिटी हो। उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने यहां पे एक छोटा सा उदाहरण पेश करने जाता हूं, डिमांड और सप्लाई। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है, हिंदी में कहूं मांग और आपूर्ति। जब मैं मांग आपूर्ति बात करता हूं, मैंने देखा एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर मेरा कहीं चला गया है, जी हाँ आ गया, शॉपकीपर यहां पे आ चुका है, ओके ये रहा मेरा शॉपकीपर। इस शॉपकीपर ने, इसकी दुकान है फर्नीचर की, फर्नीचर के सामान बेचता है। कस्टमर आया, कहा मुझे एक टेबल दिखाइए, शॉपकीपर ने कहा कि भाई टेबल तो मिल जाइए लेकिन 1000 रुपए की टेबल है। ये टेबल भी आपके सामने है, ये टेबल घूमती भी है, ठीक है ये दिखा देंगे जब घूमना होगा उस टेबल को, ठीक है। तो बात जो कहना चाहता हूं इसके बारे में कि जो कस्टमर है, जिस कस्टमर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके पास पैसा ही नहीं है, उस टेबल को खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसा तो है नहीं उसके पास, उसके पास 500 रुपए है, लेकिन टेबल जो बेचने वाला उसकी टेबल की कॉस्ट 1000 रुपए। इसका मतलब मुझे यह है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है ना, तभी तो मैं नहीं खरीद पा रहा हूं। अब इसका मतलब ये है कि जब किसी भी बाजार में मंदी आती है, रिसेशन आता है, सप्लाई तो है ना लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा करने के लिए लोगों को पैसा कैसे पहुंचाया जाए, उन तमाम पहलू पे अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि अगर इसकी कॉस्ट 1000 रुपए है, इसका मतलब यहाँ पर साफ से नजर में आता है कि कहीं ना कहीं पैसा ना होने की वजह से वो नहीं, जब सप्लाई आ रही है अब डिमांड नहीं होगी तो मंदी तो आएगी। यही उदाहरण मैं समझाना चाह रहा हूं आप तमाम लोगों को कि मंदी तो आएगी, इसीलिए ये तमाम देश प्रोडक्शन, जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, जिनकी इकोनॉमी होटलों पे चलती है, जिनकी इकोनॉमी, उन तमाम देशों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि लॉकडाउन में कोई मूवमेंट नहीं है, सब अपने घरों के अंदर, आप मैं हम सब अपने घरों के अंदर हैं, यही चीज समझना है। सऊदी अरब कहा जाता है गल्फ, ये वो देश है जहां पर कच्चा तेल की डिमांड है, जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी
तो कच्चा तेल किसको चाहिए होगा? सुना होगा हाल में अमेरिका फ्री में अपना तेल देना बांटना चाह रहा है, फ्री में तेल ले जाओ और पैसे भी ले लो हमसे। ये मुसीबत आ रही है देशों के सामने कि तेल भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, फ्री में तेल भी बांट रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मार्केट होता है ये फ्यूचर मार्केट, उसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, भविष्य का एक वायदा व्यापार होता है जिसमें फ्यूचर में चीजों को चुना जाता है, उसके तहत यहाँ पे बात की गई है, जिसमें सऊदी अरब हो, गल्फ हो, अमेरिका हो, वो तमाम देश के सामने है। मैं और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं आप सबके सामने, अ लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन, जिसमें क्या कहा गया है। अभी मैंने आपसे कहा कि वर्ल्ड के सामने चैलेंजेस है, कोई डाउट नहीं है चैलेंजेस है। मैंने कहा ये वर्ल्ड इकोनॉमी की बेसिस पे अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश, उसकी जीडीपी भी 5.9 हो गई है। यूरोपियन देश माइनस, देख लीजिए आंकड़े बहुत से आईएमएफ के आंकड़े हैं, -7.5 है। मिडल ईस्ट -2.8। तो तमाम देशों के बारे में आंकड़े जिनकी सबकी इकोनॉमी माइनस में हो गई है, ये बहुत बड़ा सबके सामने चैलेंजेस है कि इकोनॉमी को माइनस में दर्शाना ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था के, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन अगर कहीं पे अंधेरा है तो कहीं पे उजाला भी है। आईएमएफ क्या कहता है भारत के बारे में, भारत के बारे में उसने आग्रह दिया था कि जनवरी में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5.8 थी, जिसको घटा के 1.9 कर दिया गया है। ये रिसेशन से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपसे कि 1.9 कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक शब्द और जोड़ा गया है, वो ये कहा गया है कि इंडिया और चाइना, ये भी आईएमएफ के द्वारा है, मेजर इकोनॉमी लाइक टू रजिस्टर ग्रोथ विद ऑल अदर कॉन्ट्रैक्टिंग। दुनिया भर में जैसे इकोनॉमी नीचे जा रही है, साउथ एशिया में होने वाली ये देश, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, ये अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दुनिया बदल रही है दोस्तों, दुनिया काफी आगे बढ़ रही है। अब वो भारत नहीं रहेगा, चाइना के सामने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन पहले एक वैश्विक महामारी है, ये बीमारी है, इस बीमारी से लड़ने के बाद ही हम दूसरे घरों में देख सकते हैं। पहले हमारे सामने चैलेंजेस है कि अपने अपने घरों में देखना है, अपने लोगों के बीच में समझना है, इसलिए चीजों के बारे में यहाँ पर बात की आ रही है। सबसे अच्छी बात क्या है भारत के लिए, जब मैं भारत की बात करता हूं, यहाँ पे भारत के लिए ये कहा जा रहा है that India continue the one of the fastest growing nation of the projected number। आसान शब्दों में भारत के लिए ये एक चैलेंजेस तो है, दुनिया के चैलेंजेस, लेकिन भारत के लिए एक कह सकते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूं। वही चीज हमारे प्रधानमंत्री भी कहना चाहते हैं कि भारतीयों के लिए, भारत के युवाओं के लिए भी चैलेंजेस है कि अपने आप को कैसे, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखना है, कैसे अपने आप को लॉकडाउन होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन करना है, उन सब के बारे में भी बातचीत की गई है। इसके साथ साथ मैं ग्लोबल के, जब मैं बात कर रहा था तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए वो तमाम नेशन, अगर मैं एशियाई देश की बात करूं तो यहाँ पे दो बड़े प्रमुख यहाँ पे संगठन है आपके सामने, एक का नाम है आशियान और एक का नाम है सार्क नेशन। जब मैं आशियान की बात करता हूँ, एशिया साउथ ईस्ट एशिया नेशन, साउथ सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, कुछ चीजों के बारे में कहा गया है, वियतनाम जो है 2.7, भूटान 2.7, यहाँ पर जीडीपी है क्योंकि वियतनाम अपने कंट्रोल कर रहा, मात में केसेस नहीं है, नेपाल 2.5, बांग्लादेश 2.0, इस तरीके से तमाम
तमाम चीजों के बारे में यहाँ बात करी जा रही है। बांग्लादेश, इंडिया 1.9, श्रीलंका, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की भी हालत खराब है, माइनस में है पाकिस्तान 1.5। तो ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी के स्तर पे हम बड़े देशों की बात, जैसे भारत भी आपका आता है उसमें, बाकी बड़े देशों की माइनस में नजर आ रही है, लेकिन भारत और चाइना वो अपने आप को पॉजिटिव में चल रहे हैं। ये रिपोर्ट के आधार पर मैं आप सबसे बात करना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ जो अगला जो पॉइंट हमारे सामने है, ये जीडीपी होती क्या है, हम जीडीपी के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, ये जीडीपी होती क्या है। जीडीपी इसको कहा गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से कहा गया है। कहा जाता है कि वो तमाम गुड्स और सर्विसेज जो हमारे देश के नक्शे के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, एक फाइनेंशियल ईयर में बन जाते हैं, वो हमारा जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जीडीपी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी जीडीपी है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। जब मैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करता हूं तो नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो फिक्स प्राइस पर काम करती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, प्राइस सेट है। अगर किसी चीज का 10 रुपए है तो हम 10 रुपए से ही कैलकुलेशन करेंगे कि उसकी बाजार में डिमांड कितनी हुई, कितना प्रोडक्शन हुआ। रियल जीडीपी से काउंट करते हैं बड़े बड़े मुल्क, किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर जानना है तो हम वहां पर रियल जीडीपी को ही यहां पर काउंट करते हैं। रियल जीडीपी का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने वाली तमाम चीजें और इन्फ्लेशन, देखिए वर्ड आपका आ रहा है इन्फ्लेशन, को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन के बारे में बात करी आ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब महंगाई ऊपर नीचे होती है उससे निकलने वाला वो होती है हमारी रियल जीडीपी। ये तमाम आंकड़े हैं भारत के सामने, दुनिया के सामने एक चैलेंजिंग से, चैलेंजेस तो हैं लेकिन चैलेंज के सामने हमें अपनी अर्थव्यवस्था से कैसे उभरना है ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। हमें ये भी देखना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के सामने जो दुनिया में फैली वैश्विक महामारी, इसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस के नाम से बोलते हैं, ये वायरस कैसे कैसे दुनिया को खत्म, कुछ देशों के घमंड को चकनाचूर कर रहा है, हमारे लिए ये भी समझ जरूरी है। हमें अपने आसपास लोगों की चाल को भी समझना है, ये भी जानना जरूरी है। देश के सामने, दुनिया के सामने चैलेंजेस तो, बीमारी तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक महामारी है वो भी हमारे सामने एक चैलेंजेस है। इन तमाम चीजों में बात करता हूं तो मैं IMF का इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूं। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 27 दिसंबर 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके करंट में चेयरमैन है बल्गेरियन की इकोनॉमिस्ट क्रिस्टिलिना जॉर्जेविया। ये तमाम आंकड़े हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे और कई चीजों के साथ और कई नए पहलू के साथ, वायरस का असर, तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, इस वीडियो से आपको दुनिया में फैली तमाम चीजों के पता चला होगा कि अर्थव्यवस्था क्या चीज है, IMF क्या चीज है, इन सब के बारे में। तो इसी चीज को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, इसी वीडियो को हम खत्म करते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।